तो दोस्तों एक और आईपीओ ने दस्तक दे दी है और काफ़ी अच्छे स्पेस से ये निकल के आ रहा है, वो है एग्रोकेमिकल स्पेस। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी एक इंडस्ट्री है जो कि फ्यूचर में काफ़ी ग्रो हो सकती है, और रिसेंट पास्ट में भी देखा होगा आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडस्ट्रीज ने। तो आज हम हिरण इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों क्या है, करती है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कितना मार्केट शेयर है इसका डोमेस्टिक और ग्लोबल रीजन में, क्या ऑब्जेक्टिव है आईपीओ के, स्ट्रेंथ क्या है इसकी, फाइनेंशियल्स कैसे नजर आ रहे हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, इसके कौन कौन लिस्टेड पीयर हैं जो सेम फॉर्मुलेशन और टेक्निकल्स में काम करते हैं, और उनके वैल्यूएशंस कैसे नज़र आ रहे हैं, कौन ज़्यादा अट्रैक्ट या क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर अभी मिल रहा है या नहीं, क्या इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी करंटली चल रही है, और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लिस्टिंग गेन से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक देखना है वीडियो को, ताकि आपको एक अच्छी इंसाइट मिल सके इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। हिरण इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर। देखिए, वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स लाइक साइफामेथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन, लैम्डा साइलोथ्रीन एटसेट्रा। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके, पैराथ्रॉइड जो सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स ये बनाते हैं। बेसिकली पैराथ्रॉइड्स होता क्या है, तो ये एक तरह का स्पेशल केमिकल क्लास होता है दोस्तों, जहाँ पर ये यूज़ आता है, इनका यूसेज है टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। और बेसिकली सबसे ज़्यादा काम आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, जहाँ पर इसका 75% से ज़्यादा का यूसेज है। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी इंडस्ट्री जहाँ पर यूज़ आता है वो है पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ में भी ये यूज़ आता है, जहाँ पर ये बाकी का रेस्ट ऑफ दी जो है परसेंटेज वो यहाँ यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर स्पेस में ये पेस्टिसाइड्स यूज़ आते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड अदर पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स। और कंपनी के वर्टिकल्स आप देखेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स टू टेक्निकल्स टू कंपनीज, टेक्निकल एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम, फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल। और देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना ज़बरदस्त है, 8600 से ज़्यादा डीलर्स हैं 16 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में, ना ही डोमेस्टिक, ओवरसीज मार्केट में भी ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज में दोस्तों एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है। अब चलते हैं आगे, तो ये है पैराथ्रॉइड मार्केट की प्लेयर, इसका देखिए 2019 का ही डेटा है और ये है इंडिया का। तो इंडिया का आप देखिए 19.5% से, मतलब करीब करीब 20% के आसपास ये हिरण इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक तरह से लीड करती है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है टेग्रो केमिकल्स 14.8। तो टेग्रो केमिकल्स भी ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर इसका मार्केट शेयर है। और बाकी क्या आप देखेंगे तो एक्सेल क्रॉप केयर, रैलिस, बेयर क्रॉप साइंस, यूपीएल, सुमिटोमो, सिजेंटा इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, धनुका एग्रीटेक, हेमानी, तो ये सारे अदर जो इसके डोमेस्टिक पीयर्स है वो यहाँ पर इतना इतना मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हिरण इंडस्ट्रीज़ 20% का पैराथ्रॉइड्स में, सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स में मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब ग्लोबल भी हम देखें तो ग्लोबल आप देखेंगे, ग्लोबल में इसका नाम नहीं है, ग्लोबल में अदर्स में जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वहाँ पर 28% से ज़्यादा के जो है यूजेस आते हैं पैराथ्रॉइड्स, और वहाँ पर जो है ग्लोबल में एक यूपीएल, एक बीएसएफ, सुमिटोमो और बेयर क्रॉप साइंस, तो ये एक बड़े नाम है जो की प्लेयर्स हैं ग्लोबल हम बात करें तो। तो डोमेस्टिक में ऑब्वियसली यहाँ पर हिरण इंडस्ट्रीज़ बाजी मारता हुआ नज़र आता है, लेकिन ग्लोबल में आपको यहाँ पर ये नाम इसका नहीं दिखेगा। चलिए बात करें देखिए कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, तो ये एक जनरल इसके ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ आप देखिए, रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल्स, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल रीच, जैसा भी हमने आपसे बात करी। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 8600 से ज़्यादा डीलर्स का नेटवर्क है इनका, लार्ज कस्टमर बेस है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम। चलिए फाइनेंशियल्स देखें तो एसेट्स आप देखेंगे इसके मार्च 18 में 450 करोड़, ये मिलियन में है, 450 करोड़, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ, 450 करोड़ से बढ़ के हुए एसेट्स 560 करोड़, फिर 624 करोड़, फिर हाफ ईयर 2020 में बढ़ के देखिए 788 करोड़। तो गजब के दोस्तों यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी आप देखेंगे 750 करोड़ से बढ़ के हुआ 1000 करोड़, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिनली डिक्रीज हुआ 967 करोड़, फिर यहाँ पर हाफ ईयर 20 में 619 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, थोड़ा सा मार्जिनली डिक्रीज ज़रूर हुए 20 में, लेकिन अब ये आपको जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगी तब आपको यहाँ पर ज़रूर रेवेन्यू भी इससे अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 46 करोड़, 75 करोड़, 97 करोड़, देन हाफ ईयर एंडेड 2020 में 66 करोड़। तो प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं कंपनी के।
बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो आईपीओ ओपन हो रहा है दोस्तों 23 तारीख को, 25 को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी और ₹10 पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ का प्राइस रखा गया है प्राइस बैंड 626 से 627, तो मार्केट लॉट है 23 शेयर का। लिस्टिंग है इसकी एनएससी बीएससी दोनों पे। इशू का साइज है 625 करोड़, फ्रेश इशू है 60 करोड़, रेस्ट ऑफ दी जो होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा। ओपन डेट 23 है, फेब 25 इसकी क्लोजिंग है। अलॉटमेंट आना चालू हो जाएंगे, अलॉटमेंट दिखना चालू हो जाएंगे एक्चुअली 2 से, रिफंड्स आना चालू हो जाएंगे अगर अलॉटमेंट नहीं आए तो 3 को, डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे 4 को, 5 को हो जाएगी इसकी लिस्टिंग। और मिनिमम देखिए 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 23 शेयर का लॉट होगा तो मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में रहना चाहिए 14,421 और मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, 1,87,000 की अमाउंट आपको वहां पर रिक्वायर्ड होगी। तो ये है आईपीओ डिटेल्स। अब देखिए कंपैरिजन करें इसका लिस्टेड पीयर्स के साथ, तो इसके लिस्टेड पीयर जो सेम टेक्निकल फॉर्मुलेशंस पर काम करते हैं वो रैलिस इंडिया, सुमिटोमो केमिकल्स, भारत रसायन, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। तो इसका दोस्तों पी आप देखेंगे, देखिए ईपीएस इसका 25 का है, तो अभी इसका करंट प्राइस 627 का है, अपर प्राइस बैंड पे हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे करीब करीब 25 का पी आपको यहाँ पर निकल के सामने आएगा, जो कि रैलिस इंडिया से अभी अच्छे वैल्यूशन पे नजर आ रहा है, सुमिटोमो से अच्छे वैल्यूशन पे नजर आ रहा है, भारत रसायन से सिमिलर है एकदम, और पंजाब से सस्ते वैल्यूशन पे नजर आ रहा है। तो भारत रसायन और हिरन इंडस्ट्रीज का पी आपको यहाँ पर सिमिलर नजर आएगा, जो कि एक अच्छा यहाँ पर वैल्यूशन लग रहे हैं आज की डेट में हिरन इंडस्ट्रीज के। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक रूम है, हेडरूम छोड़ा गया है इन निवेशकों के लिए कि यहाँ पर हमको अच्छे खासे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। अभी आपको मैं जीएमपी भी बताऊंगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो देखिए फेस वैल्यू सबकी 10 है, तो कंपैरिजन देख सकते हैं आप इसके, ये लिस्टेड पीयर्स है और भारत रसायन मुझे इसमें सबसे एक बेटर लगता है। इसके बारे में अपने वीडियोस में काफ़ी बार बात भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हिरन इंडस्ट्रीज भी एक अच्छा पोटेंशियल लेके आ रहा है, तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या रहता है फ्यूचर, अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। चलिए बात करें देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देखिए 220, तो दोस्तों करीब करीब 625 627 के जो अपर प्राइस बैंड पे अगर इसका 220 आप निकालें तो करीब करीब आप देख मान के चलिए यहाँ पर आपको 30-35% 30-35% के लिस्टिंग गेन आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे खासे लिस्टिंग गेन हमको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर इसके लिए टेक होता है, यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली हम अप्लाई करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है, क्योंकि देखिए इससे इसके जो पीयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेम है, काफ़ी टाइम से मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है और काफ़ी अच्छे सीएजीआर से कंपनीज अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छा उनका भी प्रेजेंस है डोमेस्टिक हम बात करें या फिर ग्लोबली बात करें। और लॉन्ग टर्म में हमको ये भी देखना दोस्तों इस कंपनी के ऊपर 25 से ज़्यादा अभी सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं और अदर टैक्स रिलेटेड केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये भी हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। कंपनी पे केसेस काफ़ी चल रहे हैं कंपनी पे, तो वो भी एक चीज़ माइंड में आपके ज़रूर रहनी चाहिए। तो ये जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे कंपनी, अभी देखिए पेंडिंग है, हो सकता है फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन अगर लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म पे आप रखना चाहते हैं इसको तो डेफिनेटली रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस, और अप्लाई तो हमको डेफिनेटली करना है इसमें, तो मेरी तरफ से ये अप्लाई है और लिस्टिंग गेन फॉर श्योर। तो यहाँ पर आज की डेट में तो यही हम बात करेंगे, बाकी जब इसके सब्सक्रिप्शन आएगा, जब हम आपको डिटेल में 3ों दिन आपके साथ अलग अलग स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे एज पर दी मार्केट कंडीशन। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियोस को हमारे शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।